अच्छा जी, सो नोड जेएस हमारे पास इंस्टॉल्ड है। एक दूसरा टूल हमें चाहिए पोस्टमैन। लास्ट लेक्चर में, इनफैक्ट लास्ट वीक के लेक्चर में, मैंने आपको पोस्टमैन का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि हम कैसे पोस्टमैन पर एपीआई की टेस्टिंग करते हैं। तो हमें सिर्फ ये दो टूल्स चाहिए, बाकी कुछ लाइब्रेरीज हैं और वो लाइब्रेरीज में जो ही ऑन द गो अभी इंस्टॉल करना स्टार्ट करूंगा तो आपको खुद बहुत आइडिया हो जाएगा। सो बैकएंड का मतलब ये है, जस्ट ब्रीफ सा एक सरसरी सा आइडिया कि लेट मी शो यू डायग्रामेटिकली कि हम क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली नोट पैड पे अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ मेरे ख्याल में, लेकिन स्टिल अगर somebody feels के जी आई शुड डिस्क्राइब इट अगेन, तो मैं आपको इसको यहाँ पे क्या था हमारा ड्रॉ इट या समथिंग लाइक दैट, draw.io या drawing, io, so where is it, like this, and पता नहीं क्या था लास्ट टाइम, हम इसी को देख लेते हैं। यहीं पे हमारे पास अगर बोर्ड अवेलेबल है तो कैलेंडर है, फाइल्स है, असाइनमेंट्स है, दिस एंड वी डोंट हैव अ बोर्ड हियर, वी डोंट हैव अ बोर्ड हियर, और हम यहाँ पे देख लेते हैं वाइट बोर्ड, दे भी नहीं है हमारे पास बोर्ड। So, online drawing, auto draw, this was the thing, and then sketch, quick draw, yes, this is what actually we have been talking about last time. So, let me add a new page here, it's resize. अच्छा, ये मैं आपको लास्ट टाइम जो दिखा रहा था ना, मैं इसी से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। हमने ये कहा था कि हम, ये क्लाइंट साइड है हमारा, और ये हमारा सर्वर साइड है, और हमने सर्वर साइड पे इस तरह के ये जो एंड पॉइंट्स है ना, इससे पहले हमने ये एंड पॉइंट्स देखे हैं कि हमें ये एंड पॉइंट्स प्रोवाइड होते थे या प्रोवाइड किए जाते थे कहां से, सर्वर एंड से। तो ये एंड पॉइंट्स हमें फेक सर्वर ने खुद प्रोवाइड किए थे, https fake server api.com/product, ये हमारा एक रिसोर्स का एंड पॉइंट था, ये दूसरे रिसोर्स का एंड पॉइंट था, ये हमारे तीसरे रिसोर्स का एंड पॉइंट था, और ये हमारे चौथे रिसोर्स का एंड पॉइंट था। तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, सर्वर के ऊपर अपने राउट्स डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे ये राउट्स हमें पहले से बना बनाया मिला, अब हम ये काम नहीं करेंगे, ऑलरेडी बिल्ट इन बने बनाए राउट्स को यूज नहीं करेंगे, बल्कि अब हम अपने राउट्स खुद लिखेंगे, और सर्वर के ऊपर फिर हम क्लाइंट से हिट करेंगे, वो हमारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाएगी, और सर्वर पे चूंकि बहुत सारे एंड पॉइंट्स होंगे तो किस एंड पॉइंट पे हमारी रिक्वेस्ट जाएगी ये हम स्पेसिफाई करेंगे जब हम यहाँ से फेच रिक्वेस्ट या एक्सियस की रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे। तो सर्वर पे अगर वो राउट मिलेगा तो सर्वर हमें उस राउट के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स भेजेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो वो एरर भेजेगा, यानी सर्वर ने रिस्पॉन्स जरूर करना होता है। ऐसा नहीं होता कि सर्वर रिस्पॉन्स ना करे और अदरवाइज हमारी रिक्वेस्ट जो है वो हॉल्ट रहती है, मतलब कंप्लीट नहीं होती रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जब तक सर्वर रिस्पॉन्ड ना करे। सो आई थिंक ये थ्योरी जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं और मुझे इसी डायग्राम से याद आया, तो मैं स्ट्रेट अवे प्रैक्टिकलिटी पे जाता हूँ ताकि वहां से आपको क्लियरली समझ आ जाए। बिहाइंड द सीन आपने ये फोकस रखना है जी कि हमारे पास एक सर्वर होगा, उस सर्वर पे मुख्तलिफ एंड पॉइंट्स हमने खुद डिफाइन किए होंगे, और फिर हम क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उसी एंड पॉइंट पे करेंगे जो हमने एंड पॉइंट खुद लिखा होगा, और उस एंड पॉइंट पे हम खुद ही रिस्पॉन्स बना के वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड कर रहे होंगे। So with this very brief detail, because I have already detailed described you in detail, let's jump and start doing the actual thing that we're gonna do or that we are aiming to do. So सबसे पहली चीज मैंने आपको ये जी backend लिखने के लिए जो ज़्यादा preferred way है, in fact जो मेरा तरीका है वो ये है कि इससे पहले आपने एक folder बनाया था जिसको हमने कोई भी नाम दिया, जो भी project हम बना रहे हैं project का name दें folder को, उसके बाद इस project के folder के अंदर, इससे पहले हमने इस फोल्डर के अंदर डायरेक्ट अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन क्रिएट की थी, यानी इस फोल्डर को मैंने यहाँ ओपन किया था विजुअल स्टूडियो कोड में, और विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने के बाद
मैंने डायरेक्ट इसके टर्मिनल में एक कमांड रन की थी npm npx create react app और dot. तो उससे क्या होता था कि मेरी इस e-commerce के फोल्डर के अंदर यानी रूट फोल्डर के अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाती थी और वो एप्लीकेशन मेरी फ्रंट एंड से रिलेटेड थी यानी सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट की ऐप थी. अब मैं इसी फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इनहांस करने जा रहा हूँ कि मैं बजाय ई-कॉमर्स यानी जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है उस नाम से मैंने फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैं दो फर्दर फोल्डर बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे सिर्फ फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड हैंडल करना था. तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक बगैर फोल्डर बनाए रूट फोल्डर में क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड रन करता था. अब मैं इसको कह देता हूँ जी कि इसको मैं कह देता हूँ जी फ्रंट एंड यानी इस फोल्डर में मैं अब रिएक्ट की ऐप क्रिएट करूंगा. अभी नहीं क्रिएट करने जा रहा बिकॉज रिएक्ट की ऐप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ ये फोल्डर बनाया कि जब हम सारी चीजों को पुट इन यानी पुट टुगेदर करेंगे तो दे वुड लुक लाइक दिस द फोल्डर स्ट्रक्चर वुड लुक लाइक दिस. तो अब अगर मुझे क्रिएट रिएक्ट ऐप करनी है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे यहाँ से मैं सी डी करके फ्रंट एंड के फोल्डर में जाऊंगा और इसके अंदर में ये देखिए मैं फ्रंट एंड के फोल्डर में यानी बेसिकली मैं ई कॉमर्स के फोल्डर के अंदर हूँ. उसके अंदर एक सब फोल्डर है फ्रंट एंड और इसके अंदर मैं कमांड रन करूंगा npx create react app और dot और एंटर करूंगा तो यहाँ पे एक फ्रंट एंड यानी वो पूरी की पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन बन जाएगी जो हम अभी तक करते चले आए हैं. सो अभी मैं फ्रंट एंड की एप्लीकेशन नहीं बना रहा जस्ट आपको दिखा रहा था कि आपको जब बनानी है तो आपको क्या करना है. इसी फ्रंट एंड के साथ मैं एक दूसरा फोल्डर बना लेता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ जी बैक एंड. इस बैक एंड में आज जो हम काम शुरू करेंगे वो इस फोल्डर में करेंगे. अब फ्यूचर में हो सकता है कि आपके तीन चार फोल्डर्स और बने क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हम बैकएंड एक ही लिखते हैं. उस बैकएंड के लिए जो फ्रंट एंड है ना वो मोबाइल फोन यानी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए अलग लिखते हैं फ्रंट एंड वेब के लिए फ्रंट एंड अलग लिखते हैं और अगर हमारा एडमिन पैनल है तो उसके लिए हम अलग से एक फोल्डर बनाते हैं. यानी मैं ये करता हूँ ताकि बाद में लोगों को प्रॉब्लम ना हो सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज हो. तो अभी मैं इस पे काम करूंगा बैकएंड पे लेकिन साथ ही एहतियातन फ्यूचर के लिए दो फोल्डर और बना लेता हूँ मोबाइल फ्रंट एंड. इसका मतलब ये है कि यानी इसके बाद अगर मैं एक और बना लूं और उसको मैं क्या कहता हूँ जी एडमिन. अब बेसिकली हम जो अपना ये पूरा कोर्स करेंगे ना उसमें हम इन चारों फोल्डर्स को टच करेंगे. मैं फ्रंट एंड के फोल्डर को ऑलरेडी टच कर चुका हूँ यानी फ्रंट एंड की वो पूरी रिएक्ट ऐप बनाते हैं हम. बैकएंड के लिए आज शुरू करने लगा हूं और जब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हम स्टार्ट करेंगे तो हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यानी मोबाइल का फ्रंट एंड इस्तेमाल करेंगे और एडमिन एंड जब हम बनाएंगे कि एडमिन एंड पे कैसे यानी प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं यूजर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है और बाकी जो प्रोडक्ट ऑर्डर्स आते हैं उनकी सारी डिटेल एडमिन देख सकता है एडमिन मॉडिफाई कर सकता है और फिर एडमिन कोई भी एक्शन ले सकता है. तो इस पे भी हम आएंगे बाद में. तो फिलहाल मैं आज के लिए जा रहा हूँ बैकएंड के फोल्डर के अंदर. बाकी ये सारे फोल्डर क्रिएटेड रहने दें बाद में जब हमें जब जब जरूरत पड़ेगी तो हम कंसर्न फोल्डर के अंदर जाके उसका काम करेंगे. सो लेट्स डू इट अगेन. यहाँ मेरे पास ये सारे फोल्डर्स मौजूद हैं तो मैं इस वक्त जाऊंगा फ्रंट एंड के फोल्डर से बाहर निकलूंगा. आई मीन लेट मी रीस्टार्ट इट और इस वक्त बाय डिफॉल्ट मैं ई कॉमर्स के फोल्डर में मौजूद हूँ और ई कॉमर्स के फोल्डर के अंदर ये चार फोल्डर्स मेरे पड़े हुए हैं. सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे बैकएंड के फोल्डर में जाऊंगा. अच्छा ये मेरी तरजीह है आप किसी भी तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हैं सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह क्या कर रहे हैं. सो सबसे पहला स्टेप जी बैकएंड लिखने के लिए आपने सबसे पहली चीज जो बनानी होती है आपने ये कमांड देनी होती है npm init. मैं सिंपलेस्ट सादा तरीन तरीका बता रहा हूँ जिसको याद रखना और जिस पे काम करना आपके लिए बहुत आसान होगा. ये जो npm init है ना जब मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो ये मुझसे चार पांच सवाल पूछेगी और मैं उन चार पांच सवालों के जवाब दूंगा. तो वो सारे जवाब देने के बाद मुझे यहाँ पे एक एम्प्टी पैकेज जेसन की फाइल बना के दे देगी. तो एम्प्टी पैकेज डॉट जेसन की फाइल किधर आएगी जिस फोल्डर में मैं कमांड चला रहा हूँ. तो किस फोल्डर में चला रहा हूँ बैकएंड के फोल्डर के अंदर. तो इस बैकएंड के फोल्डर के अंदर एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल आएगी जब मैं npm init करूंगा. npm init का मतलब यह है कि मैं यहाँ नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ. सबसे पहला स्टेप ये करना होता है हमें बैकएंड पे. सो जब मैं इसे हिट करूंगा तो ये पहले मुझसे दो तीन सवाल पूछेगा मुझे उसके जवाब देने हैं. यानी फाइल सवाल का मतलब ये है कि आपने फाइल का नेम क्या रखना है प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है प्रोजेक्ट को सेव कैसे रखना है वगैरह वगैरह वगैरह. तो सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है कि जी आपने पैकेज का नेम क्या देना है. मैंने ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट किया है तो वो कह रहा है कि अगर कुछ नहीं देंगे तो डिफॉल्ट बैकएंड कंसीडर करेगा. तो ये वही बैकएंड का फोल्डर है
तो मैं चाहता हूँ ये इस डिफॉल्ट बैकएंड में ही, यानी पैकेज का नेम बैकएंड ही रखो। मैंने खाली एंटर कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा। अगर आपको नया नाम एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ वो नाम लिख दें, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे जी वर्जन बाय डिफॉल्ट 1.0.0। अगर आपने अक्सर देखे होंगे कि हर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के वर्जन होते हैं, तो आपको ये यहाँ वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब चूंकि हम ये नए सिरे से एप्लीकेशन स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं, तो आप इसको भी डिफॉल्ट रहने देंगे जी, ठीक है। आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल विद दिस 1.0.0। एंटर कर दें। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है कि व्हाट डिस्क्रिप्शन यू वांट टू एंटर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो मैंने इसको भी खाली छोड़ देना है। अगर आप लिखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन तो लिख दें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी कॉमर्स बैकएंड, अदरवाइज आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा। हम बैकएंड जब लिखते हैं ना, तो हमें एक फाइल वो स्पेसिफाई करनी होती है जो फाइल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहलाती है। यानी जब भी हम अपने इस सर्वर को हिट करेंगे, तो सबसे पहली फाइल कौन सी होगी जो चलनी चाहिए, तो वो हम स्पेसिफाई करते हैं कि वो सबसे पहली फाइल जिसमें हम सर्वर की लॉजिक लिखेंगे, वो बाय डिफॉल्ट कह रहा है जी index.js होगी। तो हम इसको रहने दे सकते हैं, यानी हम index.js के साथ जा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इसको कह दें server.js, बिकॉज हम अभी अपना सर्वर लिखेंगे खुद। याद रखिएगा, ये जो मैंने पहले आपको ये बताया है कि ये जो सर्वर पे रिक्वेस्ट तो तब भेज सकते हैं ना जब पहले सर्वर एग्जिस्ट करेगा, तो अभी तक तो हमारा सर्वर ही नहीं है। तो हम Node.js और Express को इस्तेमाल करके अपना सर्वर पहले क्रिएट करेंगे, उस सर्वर की क्रिएशन के बाद उस पर हम ये अपने एंड पॉइंट्स डिफाइन करेंगे, और फिर उन एंड पॉइंट्स पे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट आवर ऑन सर्वर। तो उस सर्वर के लिए हमें एंट्री पॉइंट चाहिए, यानी कौन सी पहली फाइल हो जो इस सर्वर पे चलनी चाहिए। तो मैं बाय डिफॉल्ट index.js होती है, मैंने इसको रीनेम करके क्या दे दिया server.js, और फिर मैंने यहाँ एंटर किया तो वो कहता है जी टेस्ट कमांड। मैं कोई टेस्ट कमांड नहीं देना चाहता। वो कह रहा है जी गिट रिपोजिटरी, मैं इसको फिलहाल गिट रिपोजिटरी भी नहीं स्पेसिफाई करना चाहता। वो कह रहा है जी कुछ कीवर्ड्स, मैं वो भी नहीं स्पेसिफाई करना चाहता। ऑथर, मैं इसे कह देता हूँ जी कि आप अपना नाम दे सकते हैं, सो यहाँ पे कोई भी। और फिर ये लाइसेंस, मेरी अभी लाइसेंसिंग क्या, अभी पहली एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो कौन सी लाइसेंसिंग। अगर आप कोई पेड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जिसको आप फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट या रिलीज करके पैसे कमाना का इरादा रखते हैं, या इनफैक्ट कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जाहिर है जैसे अभी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसकी लाइसेंस की आपको एंटर करनी पड़ती है वगैरह, ये उस तरह की डिटेल। फिर मैंने सब कुछ करके ओके कर दिया, तो वो जो जो डिटेल मैंने एंटर की ना, वो उसने सारी फाइल का एक, सारी डिटेल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। देखिए नेम उसने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था डिफॉल्ट रहने दो, उसने बैकएंड रख दिया, वर्जन उसने ये रख दिया, तो ये जेसन फाइल उसने बना दी। फिर डिस्क्रिप्शन यही दे दी, मेन मेन का मतलब एंट्री पॉइंट, वो मैंने server.js दिया। स्क्रिप्ट मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं दिया, तो उसने बाय डिफॉल्ट एक टेस्ट का स्क्रिप्ट बना दिया, वरना मैं खुद स्क्रिप्ट स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ऑथर ये, और लाइसेंसिंग मैंने नहीं दिया, तो उसने ISC खुद ही दे दिया। अब मुझसे पूछता है कि इज दिस ओके, क्या ये ओके है। अगर ओके है तो यस कर दो, यस करेंगे तो यहाँ package.json की फाइल बन जाएगी बैकएंड के अंदर, और मैं इसको वाई कर देता हूँ, एंड देन इट सेड ये package.json बन गई। और अगर आप इस package.json में जाएंगे तो कोई इतनी खास रॉकेट साइंस नहीं है, वही चीज जो यहाँ पे उसने दी थी, जो मैंने एंटर की, वो सारी की सारी चीज यहाँ package.json का एक फाइल बना के उसने मुझे दे दी। और आपको पता है कि package.json क्या करती है, पता ना आपको क्या करती है किसी भी प्रोजेक्ट में। हमने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में हमारी पैकेज जेसन बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी, तो कोई बताएगा पैकेज जेसन हमने यहाँ पहले क्यों क्रिएट की, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे। कैन यू एनीबॉडी शेयर, जी मुसलमानों, कैन एनीबॉडी शेयर पैकेज और जेसन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बर्थ है। नाम लूं तो बताएंगे, वॉलंटियर कोई नहीं करेगा। सर जो भी हमारे प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है वो सारी तो लिस्ट है। ग्रेट, उन लाइब्रेरीज को क्या कहेंगे हम, पता नहीं सर। अरे हाय जी वैद साहब, उन लाइब्रेरीज को हम क्या कहते होते हैं। अशफा, फराज, वो डिपेंडेंसीज नहीं कहते, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज आपकी पैकेज और जेसन में होती है। क्या हो गया बच्चों, शयान ने ठीक बताया, लेकिन आप लाइब्रेरीज के बजाय क्या लफ्ज इस्तेमाल करोगे, हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज पैकेज और जेसन में होती हैं। आप देखें जब आप प्रोजेक्ट की फाइल शेयर करते हैं तो एक npm का मॉड्यूल है, उसको नहीं शेयर करते, गिट अपलोड करते हैं तो वो भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा हैवी वो होती है फाइल। तो आप क्या करते हैं, आप
npm मॉड्यूल यानी नोड मॉड्यूल के फोल्डर को निकाल के बाकी चीज शेयर करते हैं, तो जब अगले बंदे के पास वो प्रोजेक्ट जाता है तो उसने रन करना होता है, तो वो अपने प्रोजेक्ट को रन करने से पहले उसमें रूट फोल्डर में एक कमांड चलाता है npm install। वो npm install क्या करता है, आपकी package.json ही फाइल को देखता है और वो package.json फाइल में जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेता है, आपको बार बार ये सारा काम खुद नहीं करना पड़ता। तो ये इंपॉर्टेंस होती है बेटा package.json। एनीवेज ये याद रखना है कि package.json में आपकी सारी की सारी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज बड़ी होती हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो अभी मैंने आपको मैनुअल तरीका बता दिया package.json बनाने का, मैं इसे डिलीट करता हूँ और इसका शॉर्टकट तरीका भी है बनाने का, और वो ये है कि आप npm init init लिखें। तो जब मैं ये लिखता हूँ तो आपको अभी बताया मैंने कि ये 5-6 सवाल पूछता है, आपको खुद जवाब देने पड़ते हैं। अगर आप -y या -y लिख देंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि आप वो सारे के सारे ऑप्शंस को डिफॉल्ट कंसिडर करना चाहते हैं, तो फिर आपसे सवाल नहीं पूछेगा, सारे ऑप्शंस को डिफॉल्ट खुद ही रख देगा। माइनस वाई का मतलब यस होता है, आप खुद कंसेंट दे रहे हैं। अब मैं ओके करूंगा तो ये कमांड सक्सेसफुली चल गई और यहाँ पैकेज जेसन बना, मुझसे उसने कुछ नहीं पूछा, सारा कुछ डिफॉल्ट ही रख दिया खुद ब खुद। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप हमारा बैकएंड का ये है कि हमने पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनानी है। अब मैं चूंकि बाकी फोल्डर्स में फिलहाल काम नहीं कर रहा, जैसे एडमिन है, फ्रंट एंड है और मोबाइल ऐप है, सिर्फ बैकएंड में काम कर रहा हूँ, तो जस्ट टू रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी मैं इसको बंद करूंगा और सिर्फ बैकएंड का फोल्डर ओपन करूंगा, ताकि मुझे सिर्फ एक फोल्डर नजर आए, बाकी फाइलों के साथ ये मिक्सअप ना करूं, अदरवाइज ये इसी फोल्डर में पड़ा हुआ सब कुछ। सो बैकएंड में गया एंड लेट मी ओपन इट अप विद द विजुअल स्टूडियो कोड, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक फोल्डर अंदर आके बैकएंड पे आ चुका हूं और मुझे सिर्फ पैकेज डॉट जेसन नजर आ रही है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज टू क्रिएट आवर ऑन सर्वर। अगर आप यहाँ पैकेज डॉट जेसन को देखें तो यहाँ जो एंट्री फाइल थी, चूंकि अब मैंने माइनस वाई के फ्लैग के साथ इस पैकेज जेसन को क्रिएट किया, तो एंट्री फाइल उसने डिफॉल्ट क्या रख दी है, index.js। यू आर कंफर्टेबल टू डू दैट, यू कैन गो विद इट, लेकिन मैं इसको नॉर्मली सर्वर रखता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो। तो मैंने कहा जी server.js। अब package.json कहता है जी कि आप जब भी सर्वर रन हो तो वो सबसे पहले इस फाइल को जाके देखे, किस फाइल को, server.js। ये फाइल तो यहाँ है ही नहीं, तो लेट्स क्रिएट दैट फाइल with the name server.js। so this is the very first step कि मैं अपना सर्वर बना रहा हूँ और इस सर्वर के लिए मैं सबसे पहले काम क्या कर रहा हूँ, एक server.js की empty फाइल क्रिएट की। अब normally हम करेंगे क्या, हमारा जो टेक्नोलॉजी स्टैक होगा ना, बैकएंड पे Node.js एक लैंग्वेज है, जैसे आप यूं समझ लें कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर आपने C++ में कोई ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है तो आपको बहुत सारी डिपेंडेंसीज या बहुत सारी लाइब्रेरीज या हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ती है या किसी फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। एक रॉ सी एग्जांपल ये भी समझ लें कि लेट्स सपोज जब आप HTML CSS में कोई डिज़ाइन बनाते हैं और फिर जब आप थोड़े से तजर्बेकार हो जाते हैं तो फिर आप HTML CSS के साथ बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है कि बूटस्ट्रैप बेसिकली HTML CSS का फ्रेमवर्क है जो आपको या आपके काम को करने में थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसानी प्रोवाइड करता है या बहुत सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बेसिकली बैकएंड लिखेंगे यूजिंग Node.js लैंग्वेज, लेकिन Node.js लैंग्वेज में अगर हम सर्वर लिखें तो हमें काफ़ी लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा खुद से मैनुअली सारा कुछ करके। तो इसके लिए हमें हमारे पास एक Node.js का फ्रेमवर्क है जिसे हम Express.js कहते हैं। अगर आप मन स्टैक की पूरी एब्रीविएशन करें ना, तो मन स्टैक में ये जो ई है ना, that is called Express, yani we have talked about R in MERN and we are going to talk about E in MERN, to React hum pehle hi kar chuke hain aur E abhi karne ja rahe hain, to piche reh jayenge do, meaning Node is already there ki jo environment hai jiske upar hum code kar rahe hain ya jo environment hamare is code ko execute karne ke liye platform de raha hai wo Node.js hai, kyunki Node.js ki installation ke bagair ye sara kuch karna namumkin hai, to hum ye teenon kar chuke hain E R and EARN, so Node bhi hum dekh chuke hain। नोड का अभी तक हमने सिर्फ इतना ही देखा कि ये अंडरलाइन प्लेटफॉर्म है, बाकी हमने नोड की इतनी लंबी जोड़ी कहानियां नहीं पढ़ी। सो यू ऑल्सो ओनली नीड दिस। फिर हम रिएक्ट में पूरी एप्लीकेशन बना चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सप्रेस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस इज बेसिकली अ Node.js फ्रेमवर्क। ठीक है, सो इफ यू गो टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड लेट मी शो यू express.js.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। हम हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज्यादा रेफर करेंगे and I would rather request you all in fact to keep in touch with the documentation of all the things like React ki documentation ko bhi bar bar dekha kare, jitni libraries aap use kar rahe hain aur ye
एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाने के लिए तमाम वो लाइब्रेरीज बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर मन स्टैक इनकम्प्लीट है। लिहाजा इनकी डॉक्यूमेंटेशन मैं बार बार रेफर करूंगा, तो डू कॉपी मी जैसे मैं करता हूँ, जैसे जहां से जो कुछ देखता हूँ, तो आप स्टार्ट इस तरह से करें, देन वंस यू गेट फेमिलियर विद इट तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू इट एट योर ऑन। सो एक्सप्रेस क्या है बेसिकली? फास्ट अनओपिनियनेटेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। सो दिस इज व्हाट is the simplest and the slightest definition is. शायद आपको अभी तक ये समझ ना आए, fast का लफ्ज तो समझ आ गया, unopinionated और minimalist का क्या मतलब है, शायद ये दो लफ्ज समझ ना आए, but it's all okay. You only need to remember this. It's a web framework for Node.js. It's a framework for creating server, for handling routes and so many other things. तो minimalist इसे क्यों कहते हैं कि बहुत less approach, less code approach, बहुत छोटे से code के साथ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप सिर्फ चार लाइनों से पूरा सर्वर क्रिएट कर लेंगे। वैसे अब जब वेब सर्वर का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे जहन में बहुत कोई बड़ा नाम आता है यार, कि वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत कोई रॉकेट साइंस है, बहुत कोई फिलॉसफी है। तो अभी आप देखेंगे सिर्फ चार लाइनें लिखेंगे तो आपका पूरा सर्वर सेटअप हो जाएगा। तो मिनिमलिस्ट। सो दूसरा अनओपिनियेटेड, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। फास्ट, बहुत ज्यादा स्पीड है, फास्ट है, लेकिन ये सारी चीजें आपको ऑब्वियसली पता चलेंगी। एक्सप्रेस जेएस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब एक लाइन में काफी है कि जी एक्सप्रेस जेएस इज अ नोड फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड टू राइट द सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, दैट्स इट। तो अब मैं इसको, सबसे पहली चीज, इसको मैं एज अ लाइब्रेरी इंस्टॉल करूंगा। मुझे इसने खुद ही कमांड दे दी है कि npm install express और माइनस माइनस सेव। ये हाइफन हाइफन सेव का मतलब ये होता है कि npm install express को इंस्टॉल करो और साथ ही इसकी एंट्री को सेव कर दो, यानी package.json में जाके express की लाइब्रेरी की एंट्री डाल दो। ये सेव का ये मतलब होता है। ये थोड़ा सा पुराना स्टाइल था, लेटेस्ट अभी मॉडर्न में आप जब करते हैं तो आप माइनस माइनस सेव नहीं भी करते तो वो खुद ब खुद एंट्री डाल देता है। तो पहले ये नहीं होता था, पहले आपको एक्सप्लिसिटली अगर डिपेंडेंसीज लिस्ट में इसकी एंट्री चाहिए होती थी आप साथ सेव करते थे। तो अब मैं इस पूरी कमांड को यहाँ से कॉपी करूंगा और द फर्स्ट थिंग आफ्टर द package.json मैंने एक फाइल क्रिएट की, और मैं फाइल क्रिएट करने के बाद दोबारा टर्मिनल पे जाऊंगा और टर्मिनल पे जाके मैं npm install express और माइनस माइनस सेव इस पे इस कमांड को एंटर करके यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। एंड लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स टू फिनिश इट्स इंस्टॉलेशन। तो मैं साथ साथ नाश्ता भी कर रहा हूँ, किसी और ने करना है तो ऑनलाइन नाश्ता ऑफर कर देते हैं। All right. तो हमारी ये हो गई है जी इंस्टॉलेशन एक्सप्रेस जेएस की। बड़ा लाइट वेट सा पैकेज है और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, इसने 4-5 सेकंड लिए इंस्टॉल डाउनलोड इंस्टॉल होने में। इसके बाद सबसे पहले हमने सर्वर बनाना है। मतलब सर्वर क्या होता है, सर्वर का मतलब सर्व करना होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो सर्वर का क्या काम है, रिक्वेस्ट को रिसीव करना और सर्वर रिस्पांस प्रिपेयर करता है और प्रिपेयर करके वापस रिस्पांस सेंड कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वेटर ने रिक्वेस्ट की किसी रेस्टोरेंट में, वो रिक्वेस्ट आई शेफ के पास, शेफ ने उस रिक्वेस्ट को समझा, उसके मुताबिक मेन्यू तैयार किया और तैयार करने के बाद उसी वेटर के हाथों रिस्पांस वापस भेज दिया और वो रिस्पांस जाके क्लाइंट ने कंज्यूम कर लिया, खा पी लिया, मजे कर लिए। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, सर्वर इज टू एंटरटेन द रिक्वेस्ट्स दैट आर coming in from the clients. So this is what our this server is going to do. और ये server हम खुद लिखने लगे हैं। और इस server को लिखने के लिए हमें कोई बड़ी rocket science नहीं चाहिए। अगर आप इसी Express.js की home page में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो page खत्म हो जाएगा, ठीक है? So that's why you need to go into the getting started page. और जब आप इसी installing में जाएंगे तो ये वही चीज़ बता रहा है कि आप एक नई डायरेक्टरी बनाएं, उसको माई ऐप का नाम दें। हमने अपने बैकएंड के नाम से डायरेक्टरी बना ली, फिर कह रहा है जी सीडी माई ऐप उस डायरेक्टरी के अंदर मूव करें, हमने वो भी कर लिया। फिर कह रहा है जी npm init कर लें, हमने वो भी कर लिया। फिर कह रहा है जी एंट्री पॉइंट दें, हमने वो भी कर लिया। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, सारा स्टेप बता चुका हूं। एंट्री पॉइंट को मैंने server.js नाम दिया instead of index.js। फिर वो कह रहा है जी कि npm install express करें, हमने ये भी कर लिया। फिर वो कह रहा है जी कि npm install express no save। जैसे मैंने कहा ना कि सेव का फ्लैग आपके package.json में एंट्री डाल देता है। ये देखिएगा, ये आ गई डिपेंडेंसीज और ये आ गई एक्सप्रेस, क्योंकि मैंने माइनस माइनस सेव लिखा था, ठीक है? और अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि package.json में इसकी एंट्री ना आए, तो सिंपल कौन सा फ्लैग दे दें कि इंस्टॉल कर दो लेकिन package.json में इसको सेव ना करो। समटाइम ये भी रिक्वायर्ड होता है, बट वी आर नॉट
directly concerned with this particular thing right now. We do want to save it as a dependency in our package or JSON. So that's why we'll go with the minus save like. अब वो ये कह रहा है जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि पुराने पहले versions में minus मैंने save लिखना पड़ता था, अब ना भी लिखें तो खुद save कर देते हैं. वो कह रहा है by default with version npm 5.0 plus npm install adds the module to the dependencies list in the package or JSON file. With earlier versions of npm you must specify that this save option explicitly. ये मैं आपको कहानी बता चुका हूँ कि ये अब हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने लिख भी दिया तो उसने माइंड नहीं किया, उसने कहा ठीक है जी मैं कर दूंगा सेव. सो द नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट, आप यहाँ पे क्लिक करके अगले पेज पे जा सकते हैं या सिंपली यहाँ. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि ये सारा कुछ आपको जुबानी याद करना पड़ेगा. ट्रस्ट मी के ये तीन चार एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको फिंगर टिप्स पर खुद ही याद हो जाएंगे कमांड, लेकिन नहीं भी याद होती नो वरीज एट ऑल. कई डेवलपर्स प्रोफेशनल जो है वो कई क्या सारे ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर रहे होते हैं इन चीजों के करने के लिए. So don't feel shy in fact to come to the documentation and consult. जिस तरह आप bootstrap में चाहे जितने भी मर्जी expert हो, bootstrap के snippets को उसकी documentation से हिदा के देख के guideline लेके उसको इस्तेमाल करते हैं. Otherwise obviously you know कि इतना कोई intelligent नहीं होता कि सारा कुछ ज़ुबानी याद आ जाए. So now मैं next पे click करता हूँ और next पे that's all. ये हमारा पूरा का पूरा सर्वर लिखने की कोडिंग है, तो मैं इसको वन बाय वन लाइन बाय लाइन समझाऊंगा आपको. सबसे पहली चीज ये है कि जिस तरह हम एक्सप्रेस सॉरी फ्रंट एंड में क्लाइंट साइड पे रिएक्ट में कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते थे, उस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ता था इम्पोर्ट. यानी हम जैसे रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी इंस्टॉल की तो जहां भी हमने राउटिंग करनी थी वहां हम पहले ऊपर क्या करते थे, इम्पोर्ट this from React router DOM or something like that, import use state from React, import use effect from React or something like that. तो इसी तरह ये जो हम वो हम करते होते थे ES6 में. तो मैं यहाँ थोड़ा सा ES ये जो documentation है ना इसमें इसने follow किया है ES5 का syntax. ES5 का मतलब है ECMAScript 5 का. तो हमारे पास setting का option होता है कि हम backend भी ES6 में ही लिखें, लेकिन फिलहाल चूंकि हम documentation को refer कर रहे हैं तो मैं ES6 ES5 का syntax ही आपको बताऊंगा. It's that simple. It's not anything like big concept. Mostly same है. तो जिस तरह ES6 में या React में हमने import किया था ना file को, इस तरह यहाँ import नहीं करते. यहाँ हम import की जगह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं require. और हमने कौन सी library require करनी है या कौन सी ये जो अभी हमने install की है, और हमने install कौन सी की है express. हम इसको किसी variable में save कर लेते हैं. const express equals to this. तो ये सिंपली आप यूं समझें कि ये इंपोर्ट की है मैंने एक्सप्रेस की लाइब्रेरी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले npm से इंस्टॉल की थी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई हैव डन. इफ यू स्टिल डोंट रिमेंबर डू कॉपी दिस वन द सिमिलर थिंग. ये बिल्कुल वैसी ही चीज हुई हुई है. सेकेंड स्टेप ये है कि इस एक्सप्रेस की लाइब्रेरी में जो भी आप यानी इसको जब इंपोर्ट किया है तो वो सारी की सारी इधर आ गई है. तो इस एक्सप्रेस के कीवर्ड को हम एज अ फंक्शन इस तरह कॉल कर सकते हैं. सो सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि आप const app और एक्सप्रेस आपने सिंपली ये फंक्शन कॉल किया और एक ऐप में उसका रेफरेंस स्टोर कर दिया. एंड दिस ऐप इज गोइंग टू बेसिकली हेल्प यू क्रिएट द सर्वर और समथिंग लाइक दिस. अब ये काम अगर हम Node.js से करते ना, अभी हम तीन लाइनों में सर्वर लिखेंगे Node.js में करते तो ये काम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता और हमें बहुत सारी लंबी चौड़ी लाइंस लिखनी पड़ती. अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा जी app.listen, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है app.listen. app तो ये वेरिएबल है जिसको मैंने यहाँ रेफर किया. अब ये लिसन का क्या मतलब है, मैंने आपको ये कहा कि सर्वर जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो किसी सर्वर को करता है. सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को लिसन करता है, रिस्पांस प्रिपेयर करता है और वापस रिस्पांस को क्लाइंट पे सेंड कर देता है. लेकिन ये सारा काम तभी होता है जब आपका सर्वर लिसनिंग मोड में हो. लिसनिंग मोड में होने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट का शेफ है, वो छुट्टी गया हुआ है, अब वो घर पे बैठा हुआ है और आप उसके घर पहुंच जाए जी मुझे फलां डिश चाहिए. अब वो शेफ जरूर है लेकिन वो इस वक्त लिसनिंग मोड में नहीं है, मतलब छुट्टी पे गया हुआ है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो घर पे आपको डिशें पका के देता रहे. मतलब मैकडॉनल्ड का शेफ है, किसी तरह आपको उसका कॉन्टेक्ट मिल जाए और आप उसके घर पहुंच जाइए, वो आप छुट्टी पे हैं लेकिन मुझे ये डिश अर्जेंट चाहिए तो मुझे प्रिपेयर कर दे. सो ही
माइट नॉट बी इन द लिसनिंग मोड। खैर ये तो बड़ी रफ सी एग्जांपल दी। जब भी किसी सर्वर पे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर शुड बी इन अ लिसनिंग मोड। ये लिसनिंग मोड में होगा तब ही किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लिसन करेगा और फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अगर ये ऑफ होगा या लिसनिंग मोड में नहीं होगा तो फिर ये ना लिसन कर सकेगा रिक्वेस्ट को और ना उस रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्स वापस दे सकेगा। सो दैट्स वाई व्हाट वी डू इज कि हम यहाँ पे एप डॉट लिसन का फंक्शन देते हैं और यहाँ पे इसे एक पोर्ट देते हैं कि ये सर्वर क्या हो जाए, लिसन करना शुरू हो जाए। अच्छा अब जब हम लिसन करते हैं तो हम लिसन पे ना एक पोर्ट देते हैं उसको कि किस पोर्ट पे लिसन करे। अब ये पोर्ट का क्या चक्कर है या पोर्ट क्या बला है जरा उसको समझें। बिलफर्ज एक कंप्यूटर है, यानी मेरा ये डेस्कटॉप मशीन है तो ये एक सर्वर है, यानी ऑब्वियसली मैं अभी सर्वर बनाऊंगा तो मेरा अपना कंप्यूटर ही सर्वर बन जाएगा। अभी दो मिनट बाद आपको देखेंगे इसको। लेकिन मसला ये है कि अब जब भी कोई बंदा रिक्वेस्ट करेगा मेरे सिस्टम पे तो इस सिस्टम पे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो लिसन कर रही है रिक्वेस्ट को। मिसाल मेरे सिस्टम पे बिलफर स्काइप चल रहा है, तो अब कोई भी बंदा मुझे स्काइप पे मैसेज करे तो इसका मतलब ये है कि मेरा स्काइप जो है वो लिसनिंग मोड में एक्टिव बैठा हुआ है। ये देखें तो ये स्काइप भी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। फिर मेरे सिस्टम पे ये भी चल रहा है अपना टीम्स भी चल रहा है, इसका मतलब ये टीम भी लिसनिंग मोड में बैठा हुआ है, ये भी रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है। ऑलराइट, यहां पे मैं फेसबुक का मैसेंजर भी ओपन कर दूं तो इसका मतलब फेसबुक का मैसेंजर भी लिसन कर रहा है। यहां पे मैं कोई भी और चैट सिस्टम खोल लूं या इवन चैट सिस्टम ना भी खोलूं, कुछ भी खोलूं, इसका मतलब ये है कि मेरा और आपका सिस्टम सर्वर है या नहीं है वो स्टिल रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा होता है। अब आपने मुझे मैसेज भेजा स्काइप में, कभी ऐसा हुआ है कोई मुझे एक्सपीरियंस शेयर करे अगर उसके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मैसेज स्काइप पे भेजा और उसको वो मैसेज जो आपने स्काइप पे भेजा है वो उसको फेसबुक के मैसेंजर पे रिसीव हो, या आपने किसी को फेसबुक पे मैसेज भेजा और वो उसके व्हाट्सएप पे चला गया हो, इज इट पॉसिबल? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे पता भी लग रहे जाग रहे हैं या सो गए, इज इट पॉसिबल? नो सर। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज दूं आपको, व्हाट्सएप टीम पे मैसेज लिख के भेजूं आपको और आपको आपके व्हाट्सएप पे हो जाए तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, दैट्स द क्वेश्चन। वो इसलिए नहीं होता कि आपके सिस्टम में जितनी एप्लीकेशंस चल रही होती है ना वो हर एप्लीकेशन एक यूनिक पोर्ट पे चल रही होती है। अब ये पोर्ट क्या है, जिस तरह आपके सिस्टम में फिजिकल पोर्ट्स होती है ना, माउस की पोर्ट है, कीबोर्ड की यूएसबी पोर्ट है, इसी तरह वीजीए पोर्ट है, इसी तरह आपकी बहुत सारी और पोर्ट्स फिजिकल होती हैं, इसी तरह आपके सिस्टम में लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं। और पोर्ट्स काम करती हैं कनेक्शन का, दे बेसिकली कनेक्ट योर सिस्टम, नॉट सिस्टम इनफैक्ट सॉरी, जिस तरह जो फिजिकल पोर्ट्स हैं दे कनेक्ट योर पीसी विद एनी फिजिकल डिवाइस। रिपीट, जिस तरह फिजिकल पोर्ट का ये काम होता है दे कनेक्ट योर पीसी विद एनी फिजिकल डिवाइस, लाइक माउस की पोर्ट से माउस कनेक्ट करते हैं आप, कीबोर्ड की पोर्ट से कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं दे कनेक्ट योर एप्लीकेशन विद एनी एप्लीकेशन दैट इज रिजाइडिंग ऑन द सर्वर, के जो लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं वो आपके सिस्टम में किसी एक एप्लीकेशन को सर्वर पे पड़ी हुई किसी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये पॉसिबल होता है कि आपकी एक एप्लीकेशन की कम्युनिकेशन किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरप्ट या मिंगल अप नहीं होती, मिक्स अप नहीं होती। सो ऑल द एप्लीकेशंस, नेटवर्क एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं, जो ऑफलाइन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर सिस्टम में चल रही होती है, उनका नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उनमें पोर्ट का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी नहीं है। बिकॉज वी आर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन एंड वी आर एक्चुअली डेवलपिंग अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो हम डेफिनेटली नेटवर्क की रिक्वेस्ट, नेटवर्क की एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो अब इसलिए जरूरी है कि नेटवर्क एप्लीकेशन जितनी भी आपके सिस्टम्स में चलती हैं दे नीड अ डेडिकेटेड पोर्ट टू रन ऑन, टू लिसन ऑन। तो अब बेसिकली अगर मैं इसको देखूँ ना, तो आप अगर टीम्स की डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो डॉक्यूमेंटेशन में जाके आपको पता लग सकता है कि ये टीम्स कौन सी पोर्ट को इस्तेमाल करती है कम्युनिकेशन के लिए, फेसबुक का मैसेंजर कौन सी पोर्ट को इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप कौन सी पोर्ट को इस्तेमाल करता है, स्काइप कौन सी पोर्ट को इस्तेमाल करता है। तो ये आपको इजीली पता लग सकता है कि हर एप्लीकेशन एक डिफरेंट पोर्ट को इस्तेमाल करती है। दैट्स इट, पोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या है। और पोर्ट होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक यूनिक नंबर होता है कि यहां पे मैं अगर दे दूं ना, लेट्स सपोज
3000 पोर्ट, इसका मतलब ये है कि अच्छा पहली बात ये कि आपको क्या पता कि आपके सिस्टम में कितनी पोर्ट्स हैं, पोर्ट होता नंबर ही है, तो इस बात का भी जवाब सुन लें, आपके सिस्टम में कोई 65,000 के करीब पोर्ट्स होती हैं, और ये फिजिकल पोर्ट से डिफरेंट है ये चीज, ठीक है। जैसे ये मैंने देखा ना पोर्ट्स इन कंप्यूटर, तो मुझे फिजिकल पोर्ट्स के नाम बता दिए, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पोर्ट्स इन कंप्यूटर सिस्टम की बताए, हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है। सो वी कैन गेट टू नो व्हाट आर द कंप्यूटर पोर्ट्स, नेटवर्क पोर्ट्स, पोर्ट्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब क्योंकि ये पोर्ट्स बहुत कॉमन है तो इसलिए आपको बार बार फिजिकल पोर्ट्स ही बता रहे हैं। एनीवेज, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड वी वॉन्ट टू अलाउ आर क्लाइंट एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद द सर्वर एप्लीकेशन। अ पोर्ट इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज हाउ अ कंप्यूटर कैन यूज अ सिंगल फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन टू हैंडल मेनी इनकमिंग एंड आउटगोइंग रिक्वेस्ट्स। अब ये कह रहा है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो एक ही होता है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक ही फिजिकल इंटरनेट कनेक्शन को इस्तेमाल करके थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हो। तो वो क्या कह रहा है कि टू हैंडल मेनी इनकमिंग एंड आउटगोइंग रिक्वेस्ट बाय असाइनिंग अ पोर्ट नंबर टू ईच। टू ईच का मतलब हर एप्लीकेशन को एक पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है, एंड चूंकि अब हम ये खुद अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वी आर गोइंग टू असाइन अ पोर्ट टू आर एप्लीकेशन। वो हम कोई भी पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, पहले तो ये देखें, द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स इन योर सिस्टम आर 0 से लेके 65,535, इतनी पोर्ट्स हैं आपके पास आपके सिस्टम में जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्पसेस के लिए। लेकिन इसमें भी अगर आप थोड़ा सा अंदर डीप जाएंगे ना, तो वो कहेगा जी 0 से लेके 1024 तक की पोर्ट्स रिजर्वड है, उनको आप अपने कस्टम पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कहीं मैं आपको दिखा सकूं, इफ आई एम नॉट गेटिंग लेट, ये देखें, some of these ports numbers are specifically defined and always associated with a specific type of service. For example, file transfer protocol is always on port number 21, and hypertext transfer protocol HTTP uses always port 80. These are called well-known ports and go from 0 to 1, 10, 23, yani total 1024 ban rahi hai 0 ko mila ke. ये पोर्ट्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पोर्ट चाहे आप अपनी एप्लीकेशन को दे दें, और वो नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेके 65,535 तक होना चाहिए। सो ये समझ आ गई, कुछ खुश तो नहीं हो रहा टॉपिक? नो सर। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, the numbers from 1024 to 49,151 are called registered ports and can be registered with this वगैरह कहानी लंबी चौड़ी है। Anyways, तो इसका मतलब ये है, cutting the story short, कि हम जब भी app.listen देते हैं तो हमसे पूछता है कि आपकी ये application जो आप बनाने जा रहे हैं ये नेटवर्क की रिक्वेस्ट को लिसन करेगी, क्योंकि ये app dot listen मुझे ये फंक्शनैलिटी देता है कि ये क्या करे, नेटवर्क रिक्वेस्ट की लिसनिंग करे। तो app dot listen में दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला पैरामीटर मैंडेटरी होता है, दूसरा ऑप्शनल। उस पैरामीटर में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि मेरा ये सर्वर किस पोर्ट पे लिसन करे। तो मैं अगर ये दे दूंगा ना तो ये अलाउ नहीं है 1000, क्यों, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 1024-1023 तक रिजर्व्ड है। तो आप ये दे दें 1030 दे दें, कुछ भी दे दें, तो नॉर्मली ये होता है कि हम इसको थाउजेंड्स में देते हैं नंबर, यानी मैं इसको कहाँ सुन रहा हूँ, पोर्ट 5000 पर लिसन करेगा मेरा सर्वर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके इस कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी और एप्लीकेशन, चाहे वो स्काइप है, चाहे वो मैसेंजर है, चाहे वो कुछ कोई भी और एप्लीकेशन अगर सेम पोर्ट यूज कर रही हुई, तो फिर आप इन दोनों एप्लीकेशन को एक ही वक्त में अपने कंप्यूटर में रन नहीं कर सकते, फिर पोर्ट कन्फ्लिक्ट आएगा। अक्सर आप ने एरर देखा होगा या सुना होगा, स्काइप मस्ती करता है अक्सर बाकी एप्लीकेशंस के साथ कि इनकी पोर्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है, फिर स्काइप की सेटिंग में जाके आप पोर्ट चेंज भी कर सकते हैं मैन्युअली, उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ वगैरह वगैरह। बहरहाल, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी मेरी ये वाली एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूँ बैकएंड की, जिसका सर्वर मैंने server.js नाम रखा है, ये लिसन करेगी किसको, नेटवर्क रिक्वेस्ट को, किस पोर्ट पे लिसन करेगी,
5000 पोर्ट में लिसन करेगी। और इसका सेकंड पैरामीटर एक फंक्शन होता है कॉल बैक फंक्शन। उस कॉल बैक फंक्शन में हम अभी के लिए फिलहाल मैसेज लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और मैं कहता हूँ जी कि सर्वर इज एल आई एस टी ई एन आई एन जी ऑन पोर्ट 5000। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए कि ये फंक्शन कब चलेगा, जब मेरा कनेक्शन 5000 पोर्ट पे इस ऐप के साथ एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी कलेक्शन सर्वर चलेगा और सर्वर बेसिकली लिसन करेगा। अगर 5000 पोर्ट पे इसने लिसनिंग शुरू कर दी तो ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा और मुझे ये मैसेज दे देगा सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। दैट्स इट, दैट्स ओनली डूइंग। अब मैं ये मेरा पूरा सर्वर है जी, दैट्स इट। मैंने आपको कहा था पांच लाइनों में हमने पूरा सर्वर लिख लिया है। अब ये सर्वर मेरा किसी भी नेटवर्क रिक्वेस्ट को रिसीव कर सकता है या हैंडल कर सकता है, या इनफैक्ट सॉरी अभी हैंडल नहीं कर सकता, अभी सिर्फ लिसन मोड में आ गया कि ये लिसन कर सकता है किसी भी रिक्वेस्ट को। ठीक है, सो अब मुझे ये फाइल चलानी है, चेक करना है कि क्या ये मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ नेटवर्क के साथ। सो हाउ एम आई डूइंग टू रन दिस। आप देखें बैकएंड के इस फोल्डर में है और सर्वर आपके पास फाइल पड़ी हुई है, तो आप यहाँ करेंगे नोड सर्वर डॉट जी एस। नोड क्यों? क्योंकि हम ये चला कर आ रहे हैं नोड के ऊपर, नोड पहले से इंस्टॉल था। और सर्वर डॉट जी एस क्यों? क्योंकि हमारी रूट फाइल का नाम सर्वर डॉट जी एस है। इसमें जाएगा, ये रिक्वायर करेगा, ये लाइन चलाएगा और ये लाइन चलाएगा। तो ये अगर ये लाइन सक्सेसफुली चल गई, पोर्ट 5000 पे कनेक्ट हो गया, तो मुझे ये वाला मैसेज थ्रो करेगा और इसका मतलब ये होगा कि मेरा सर्वर जो है सक्सेसफुली रन हो गया और ये लिसन कर रहा है इस पर्टिकुलर पोर्ट पे। सो इफ आई एम रनिंग दिस, तो मुझे कह रहा है जी सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। अगर कोई एरर होता, सर्वर लिसनिंग मोड में ना चाहता, तो मुझे ये सक्सेस का मैसेज नहीं देता, कोई भी गलती या कोई भी प्रॉब्लम दे सकता था। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ कोई इंटेंशनल मिस्टेक क्रिएट करूँ, मैं सर्वर को दोबारा चलाऊं, सो दिस इज व्हाट, सो अभी भी मुझे कह रहा है कर रहा है लिसन कर रहा है पोर्ट। उसकी वजह यह है, मैंने अभी आपको कहा था कि आप 10.0 से लेकर 10.23 तक कुछ भी नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 50 दी तो चल गया। क्यों चला? क्योंकि इस वक्त 50 मेरे सिस्टम में कोई एप्लीकेशन यूज नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि जिन्होंने बनाई है या जिन्होंने पोर्ट्स को यूज करने का तरीका बताया, उन्होंने खुद रिकमेंडेशन दी हुई है कि 0 से 10.23 या 10.24 तक आप नहीं करेंगे, तो ये किसी भी वक्त ये पोर्ट कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकती है। तो अगर इन द मीनवाइल आपका सर्वर भी चल रहा हुआ, तो आपके साथ या आपकी तरफ एक अनएक्सपेक्टेड क्रैश आएगा जिसका आपको खुद पता नहीं लग रहा होगा कि क्यों आ रहा है। इसलिए बेहतर है कि आप इन पोर्ट्स को इस्तेमाल ना करें। एनीवेज, सो अगर मैं यहाँ पे कोई लेट्स सपोज कोई और मिस्टेक कर दूँ, क्या मिस्टेक कर दूँ, थोड़ा सा आगे चलूँ तो कोई मिस्टेक भी पता चलेगी। 5 दे दूँ और चेक करता हूँ कि अब ये चलता है या नहीं चलता। नोट सर्वर डॉट जी एस स्टिल इट इज रनिंग। और अगर मैं 8080 दे दूँ तो इट शुड डू समथिंग। यानी इससे आपको ये भी आइडिया हो गया कि ये एरर नहीं देगा, लेकिन इनफैक्ट कन्फ्लिक्ट के चांसेस हमेशा रहेंगे। सो बेटर नॉट टू डू दिस। ये 8080 क्या होती है? ये आपका डिफॉल्ट इंटरनेट, जो ये जो जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो 8080 यूज करता है पोर्ट को। सो इफ आई नाउ ट्राई टू डू दिस, सो इट स्टिल इज लिसनिंग। लेकिन देख के सॉरी, अच्छा ये मैंने हार्ड कोड किया है ना 5000, ठीक। सो इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम फॉर नाउ, बट इट कैन क्रिएट। सो दैट्स व्हाई बेटर नॉट टू यूज इट, और यूज एनी पोर्ट ग्रेटर देन 1023, 1024, 1020 वगैरह। तो ये मेरा सक्सेसफुल सर्वर जो है वो बन गया है, मैंने एक पूरा सर्वर बना लिया है। अब इस सर्वर पे, अच्छा मैं अब आप ये पूछ सकते हैं जी कि हम इस सर्वर पे क्लाइंट से कैसे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास एक टूल है जिसे हमने क्या कहा था, पोस्टमैन, और इस टूल से आप API टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम अपने जो अपना सर्वर लिखा है ना, इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए इसी टूल को इस्तेमाल करेंगे जब तक हम टेस्टिंग करते हैं। जब हम टेस्टिंग यानी बैकएंड पे कुछ लिख चुकेंगे, फाइनल कर चुकेंगे, तो फिर हम वो रिक्वेस्ट पोस्टमैन के बजाय अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन से भेजेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोस्टमैन, और फिर मैं सर्वर पे रिक्वेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। लेट मी गो टू द अनदर वर्कस्पेस व्हिच इज मर्न, और इस पे मैंने लास्ट टाइम ये 4-5 रिक्वेस्ट्स की थी। अब आप मुझे बताएं, ये जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये कहाँ कर रहा हूँ, अपने सर्वर पे? ये तो मेरा सर्वर नहीं है, ये तो फेक सर्वर है, रिमोट सर्वर किसी का बनाया हुआ, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि मुझे अपने रिक्वेस्ट अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्या चीज चाहिए, कोई जवाब देगा? मैं ये क्लाइंट है मेरा सपोज करें, क्योंकि पोस्ट मैनेजर क्लाइंट टेस्टिंग के लिए, पहले मैंने पिछले वीक आपको बताया था कि मैं क्लाइंट से सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है, और ये भेज भी रहा हूँ, ये चली जाती है, ये रिस्पांस भी देगी वापस आपको, लेकिन अब मैं फेक सर्वर तो यूज नहीं कर रहा ना, आप मैं अपना सर्वर लिख रहा हूँ, तो मुझे ये देखिए उसने रिस्पॉन्स दे दिया, मुझे अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्या चीज चाहिए? आई नीड आंसर प्लीज बेटा। सर ये लिंक चाहिए HTTP वाला। बच्चे फराज लिंक चाहिए जरूर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इस लिंक का कहते क्या है इसको? सर वो भी नेम माइंड में नहीं आ रहा। हाय हाय बेटा, लिंक ठीक है, लिंक ये है, लेकिन लिंक नॉन टेक्निकल लोग यूज करते हैं लिंक का लफ्ज। आप तो माशाल्लाह आप टेक्निकल हैं, डेवलपर हैं, आप लिंक तो इस्तेमाल ना करें जी। कोई और बात आपने ठीक की है, लिंक चाहिए, URL या पाथ। URL और पाथ ये भी ठीक है, इससे भी हटके एक और लफ्ज है। अच्छा ये URL भी कॉमन लेमैन लोग इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल लोग ये URL मतलब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस URL, फॉर एग्जांपल जी गूगल का URL क्या है, यूट्यूब का URL क्या है। मैं एक अपने सर्वर पे पड़े किसी स्पेसिफिक रिसोर्स को हिट करने की बात कर रहा हूँ, उसके लिए क्या लफ्ज है? देखे ना, पता नहीं क्यों नहीं समझते आप, ये बेस URL है, ये रूट URL है, तो जिस बंदे ने कहा था ना URL या लिंक, तो वो यहां तक काम हो सकता है, लेकिन उसके साथ ये मैंने पाथ भी एम्बेड किया हुआ है, इसको हम रूट बोलते हैं या रूट बोलते हैं, तो रूट भी एम्बेड किया हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक एंड पॉइंट है, एंड दिस इज द वर्ड दैट आई वांटेड यू टू मींस टेल मी, एंड पॉइंट। अगर आप यहां भी देखें तो मैंने लास्ट टाइम बड़े जोर और शोर से कहा था कि दीज आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स, किसके एंड पॉइंट, API के एंड पॉइंट्स, मेक सेंस और नॉट? जी सर। ग्रेट, तो अब ये सर्वर जो हमने लिखा है ये कहां रिजाइड कर रहा है, रिमोट पे या लोकल पे? ये सर्वर मैं कहां बना रहा हूं भाई, अपने लोकल सिस्टम पे बना रहा हूं ना? यस सर। आप सारे जरा अपना माइक ऑन करें, किसी को ऑफ ना हो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। जी सर। शयान शयान yes, आप सारे जवाब देंगे प्लीज। अबरार साहब किधर हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं जो एप्लीकेशन बना रहा हूँ ये अपने लोकल सिस्टम पे बना रहा हूँ ना, किसी के सिस्टम में चेक इन होकर नहीं बना रहा, ये रिमोट सिस्टम पे तो नहीं बना रहा, तो मुझे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे रिमोट सर्वर को हिट करने के लिए रिमोट URL चाहिए था, या एंड पॉइंट में इस पूरे को बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पार्ट को URL बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं रिमोट सर्वर को तो हिट नहीं करना चाहता, मैं अपने लोकल सर्वर को हिट करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा? लोकल सर्वर पे हिट करना चाहता हूँ और लोकल सर्वर मेरे अपने सिस्टम पे पड़ा हुआ है, क्या करूंगा? नाम लिख ले। क्या नाम है लोकल सर्वर का? गुड, ठीक बताया आपने, नाम क्या है लोकल सर्वर का? लोकल और होस्ट प्लस पिंग। रिएक्ट में ये नहीं कर रहे थे आप लोकल होस्ट कॉलन 3000? ये लोकल होस्ट क्या था? आपका अपना सिस्टम, और 3000 क्या था? पोर्ट। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट रिएक्ट की ऐप 3000 पे चलती है, तो ये पूरा एड्रेस बनता था। अब भी जो मैंने सर्वर बनाया अपना, वो सर्वर भी क्या है, मेरे अपने लोकल सिस्टम पे पड़ा हुआ है, तो लोकल सिस्टम पे सर्वर पड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेट मी मेक अनदर रिक्वेस्ट, मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, HTTP colon this LOCL HOST रिक्वेस्ट स्टार्ट यहाँ से होगी। ये किसको हिट करेगा? ये मेरे लोकल होस्ट को हिट करेगा। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लोकल होस्ट पे तो बहुत सारी एप्लीकेशन रन हो सकती हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक पैरेलल में रिएक्ट की एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रही हो, तो फिर मैं सिर्फ लोकल होस्ट करूं तो ये क्या करेगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि लोकल होस्ट में मैं रिएक्ट को छेड़ू या बैकएंड को छेड़ू, तो इसके लिए क्या तरीका अभी बताया, कॉलन 5000। अब ये क्या समझेगा कि लोकल होस्ट
पे जो सर्वर चल रहा है उसको हिट करो, अगर लोकल होस्ट पे एक से ज्यादा सर्वर लिसन कर रहे हैं तो फिर उनको पोर्ट से पहचानो कि आप किस सर्वर के पास जाना चाह रहे हो। तो ये पूरा मेरा बन गया यूआरएल एचटीटीपी लोकल होस्ट कॉलन 5000, ये किसको हिट करेगा, लोकल होस्ट। ये सर्वर चलेगा ही लोकल सिस्टम पे तो लोकल होस्ट तो अंडरस्टूड कंफर्म हो जाएगा। अब लोकल होस्ट पे अगर मल्टीपल पोर्ट्स हैं तो वो इससे डिफरेंशिएट होंगे, अगर मैं 5000 लिखूं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किसको भेजूंगा, 5000 को। अगर मैं यहाँ पे 3000 लिखूं या 8000 लिख दूं तो फिर इस सर्वर को हिट करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट कॉलन 8000। ये पॉइंट भी समझ आ गया सबको? यस सर। ऑलराइट, यस सर। अब अगली बात, यहां पे देखें कि मैं सिर्फ उस सर्वर को तो हिट नहीं कर सकता ना, मुझे किसी ना किसी राउट पे जाना है, एंड पॉइंट पे जाना है। तो दिस इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप कि मेरे सर्वर पे ऐसा कोई लॉजिक मेंशन ही नहीं है कि यार जब किसी राउट पे रिक्वेस्ट आए तो तुम क्या करो। अभी तक ये लिसनिंग मोड में जरूर है लेकिन जब रिक्वेस्ट आएगी तो ये कुछ भी नहीं करेगा बेचारा। देखिएगा, मैं इसको चला देता हूं और जब मैं इसको हिट करता हूं लोकल होस्ट 8000, लेट मी श्योर कि ये 8000 ही है। अच्छा, ये इसलिए दे रहा है, इसको 8000 ही कर लेते हैं या 5000 ही कर लेते हैं। आपको मैं बताया कि आप, अच्छा, हर चेंज करने के बाद आप सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज वो चेंजेस नहीं पकड़ेगा। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। अब मैं अगर सर, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, बाकियों को भी नहीं शो हो रही है, सिर्फ एक की के साथ मसला है सर, नहीं शो हो रही है ये, सिर्फ सर ये सर बिल्कुल ठीक है भाई, 10 सेकंड सर। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, अब आ रही है? जी सर, यस सर, अब आ रही। सो मैंने सिंपली ये कहा है कि मैंने यहाँ पे सर्वर को रिस्टार्ट किया और अब ये सर्वर मेरा चल रहा है 5000 पे, ठीक है। तो मैं इस 5000 को हिट करूंगा तो कैसे करूंगा, लोकल होस्ट लिखूंगा और स्लैश 5000 लिखूंगा। अब अगर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा तो होगा क्या, वो कह रहा है जी कुड नॉट सेंड द रिक्वेस्ट, वजह, और यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ इसको फर्क ही नहीं पड़ा। वजह यह है कि आपका सर्वर पड़ा हुआ है, सर्वर लिसनिंग मोड में है, लेकिन चूंकि ये हमारा खुद से हमने कस्टम सर्वर लिखा है तो जब तक हम खुद से इसकी फंक्शनैलिटी नहीं डिफाइन करेंगे कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो उस रिक्वेस्ट के रिस्पांस में तुम क्या करो, तो तब तक ये खुद से कुछ भी नहीं करेगा। तो हमने ये तो बताया कि सर्वर क्रिएट करो, सर्वर को लिसन में, लिसनिंग मोड में लेके आओ। अब लिसनिंग मोड में भी है लेकिन ये भी तो हमें बताना है कि जब कोई रिक्वेस्ट आए तो क्या करो। उसके लिए हम इसी ऐप को इस्तेमाल करते हैं, ऐप डॉट गेट। अब हमारे सर्वर में कितनी टाइप्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने की कैपेबिलिटी है, एचटीटीपी की रिक्वेस्ट टाइप्स मैंने आपको बताई थी, गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है, डिलीट रिक्वेस्ट है, बाकी भी हैं लेकिन मैंने ये चार बताई थी आपको। तो अब इसी ऐप यानी एक्सप्रेस के फंक्शन के अंदर जो हमें ये रेफरेंस मिल रहा है ऐप में, इसमें गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये चारों फंक्शंस बिल्ट इन अवेलेबल हैं। सो मैंने उन्हीं बिल्ट इन फंक्शंस को पकड़ा और मैंने कहा जी ऐप उसके अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन है गेट, उसके अंदर ये दो पैरामीटर लेता है गेट का फंक्शन। पहला पैरामीटर यूआरएल, यानी मैं यहां पे दे देता हूं लेट्स सपोज टेस्ट, ये वो एंड पॉइंट है जिसको मैं खुद डिफाइन कर रहा हूं कि जब भी क्लाइंट इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करे तो सर्वर क्या रिस्पॉन्स दे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी फॉर एग्जांपल कॉल बैक फंक्शन सेकंड पैरामीटर में, और इसमें मैं कर देता हूं जी कंसोल डॉट लॉग, और मैं कर देता हूं जी हेलो। इस लाइन का मतलब सिर्फ ये है बेटा कि ये जो ऐप डॉट गेट पुट पोस्ट डिलीट जितनी भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट टाइप्स हमने पढ़ी है ना, वो एक्सप्रेस में बिल्ट इन नहीं है, हमें एक्सप्रेस फीचर देता है बिल्ट इन फंक्शन गेट पुट पोस्ट डिलीट की। अगर हमें नोड में करना होता तो ये सारा कुछ हम खुद बना रहे होते हैं, उसमें बड़ा टाइम लगना। अब गेट रिक्वेस्ट दो पैरामीटर लेती है, पहला पैरामीटर क्या कि क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करे तो उसको जाहिर है कोई एंड पॉइंट चाहिए होगा ना क्लाइंट को रिक्वेस्ट करने के लिए, तो अगर इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करे तो ये वाला फंक्शन चला दो, और इस फंक्शन में सिर्फ लिख दिया हेलो। तो नाउ इफ आई गेट, मैंने कहा सर्वर में जब भी चेंज करें तो सर्वर को रिस्टार्ट लाजमी करें, कंट्रोल सी से प्रोसेस ब्रेक होता है, ठीक है, कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर होती है। मैंने दोबारा इस सर्वर को चलाया, अब मैं अगर हिट करूंगा
अब आपको पता है कि आपके पास लोकल होस्ट 5000 तो है ही है, अब साथ में आपने एक यूजर डिफाइंड राउट भी बना लिया कि जब भी स्लैश टेस्ट पे रिक्वेस्ट आए तो क्या रिस्पॉन्स दो। तो अब देख लें यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्लैश टेस्ट और होगा गया कंसोल लॉग, यहाँ कंसोल लॉग पे ये हेलो आना चाहिए, ठीक है, अगर ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी तो। सो इफ आई नाउ हिट द सेंड बटन, यहाँ पे उसने कुछ नहीं दिया क्योंकि रिस्पॉन्स वापस मैंने कुछ भेजा ही नहीं सर्वर से, मैंने तो सर्वर पे रिक्वेस्ट को पकड़ा और कहा इसे लॉग कर दो, और यहाँ पे इसने इस मैसेज को भी नहीं लॉग किया जो कि करना चाहिए था, विच आई वॉज डायरेक्टली एक्सपेक्टिंग कि इट शुड, व्हाट इट शुड डू इज कि ये जब भी स्लैश टेस्ट पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये बेसिकली ये फंक्शन चलाएगा और ये फंक्शन पे हेलो डिस्प्ले करेगा, जो कि इसने नहीं चलाया। सो लेट्स फिगर इट आउट, इनफैक्ट लेट मी फिगर इट आउट व्हाई इट हैजंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। सो लाइक अगर मैं दोबारा सर्वर को चलाऊं और यहां से मैं इस HTTP को रिमूव कर दूं, आई गेस दिस इज कॉजिंग द प्रॉब्लम अदरवाइज। अच्छा देख लीजिएगा रिक्वेस्ट भी गेट ही कर रहे हैं आप, पोस्ट नहीं कर रहे। सो लेट मी डू दैट, इट हैज सेंट मी नो रिस्पॉन्स एंड इट हैज डन नथिंग विद दिस टू। सो लेट्स गेट बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन टू सी इफ वी आर मिसिंग एनीथिंग और नॉट। सो ये लाइन मैंने लिखी है जी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये रेस्ट डॉट सेंड किया, ये बाद में बताता हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, सिर्फ पहले हमारी बेसिक सी लाइन तो चल जाए। So why it is not actually listening? This server .js express भी ठीक है, all okay है, इसको मैं कर देता हूँ abc, और अगर abc पे request आए function चलाओ और console log करो this। So, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, लोकल होस्ट दिस स्लैश एबीसी, सो नाउ नो दिस इज नॉट लिसनिंग फॉर द रिक्वेस्ट्स। सो व्हाट वी कैन डू इज कॉन्स्टेंट, वो रिक्वेस्ट वहां पे रिसीव नहीं किया हमने शायद, किधर फंक्शन में नहीं, वो खैर ऑप्शनल है, अभी हम नहीं करना चाह रहे तो कोई मसला तो नहीं है, इसकी बात कर रहे हो स्टिल इट शुड, मतलब वो तो तब होता है जब आपने रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन गेट करनी हो या रिस्पांस वापस भेजना हो, फॉर नाउ वेरी सिंपल केस दिस शुड रन, लेट मी डिबग इट। सो लेट्स स्टार्ट द सर्वर अगेन एंड देन गो बैक टू द क्लाइंट टू मेक दिस रिक्वेस्ट ऑन दिस एबीसी राउट। Still not. ये बाद में बताऊंगा ना, इसमें मैं खुद से सिंपल रखना चाह रहा हूँ, app .get. So why it is not working? Express port this. There is no reason it is not running. इसको मैं उठाता हूँ, इधर करता हूँ 5000, करता हूँ abc, get request है, ठीक है get ही है, यहाँ पे भी get ही है, slash abc है, function है, इस function को भी arrow function का तो सबको पता ही है ना, make it an arrow function, this syntax error तो होना ही चाहिए, और इसको भी हम arrow function बना लेते हैं। Oops. And then require के लफ्ज़ ठीक लिखे हुए हैं, ये क्या कह रहा है, क्विक फिक्स, ये इस मॉड्यूल में ठीक है, ओके, सो वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस, रन इट वंस अगेन, लिसनिंग इन पोर्ट 5000 एंड मेक इट लाइक दैट। व्हाट्स गोइंग ऑन, इंटरेस्टिंग, अच्छा लेट मी डू दैट फर्स्ट, समझ तो आई है ना आपको सारा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग पूरे को, दिस एज इट इज वही कुछ वहां लिखा हुआ था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ पोर्ट खुद लिखने के बजाय उसने यहाँ टॉप पे लिख दिया है, वेरिएबल में सेव कर दिया और यहाँ उसने वेरिएबल पास कर दिया, तो ये मैं 5000 ही कर लेता हूँ, एप डॉट गेट उस मैंने ए बी सी लिखा था, उसने सिर्फ स्लैश पे लिखा था, मैं इसको भी ए बी सी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, या टेस्ट कर सकता हूँ।
So now if I go back, break this and make this again, server is listening on port 5000. That's good. Once again, go here. इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि इसमें तो मसला नहीं है ऑनलाइन पोस्टमैन में. सो मेक इट लोकल होस्ट LOCL HOST:5000/test. It. Oops. Why it is teasing us? Who is inside? So let's get it fixed. By the way, हमने अच्छा ठीक है, हमने यहाँ स्लैश टेस्ट किया हुआ है, रेस्ट डॉट रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड ही किया हुआ है. We're not missing anything. Okay, so let's get Express server is not receiving requests. Okay, Node.js, iska matlab we are not the only one face this kind of issue. You will need a middleware to read the body. To read nahi kar rahe bhai, we are not reading the body. Let's get it around. Use this code as a global middleware. No, we don't need global middleware right now. So ये देखने, अगर हम एक्सप्रेस यूज ना करते तो हमें ये लिखना पड़ता सर्वर क्रिएट करने के लिए. ठीक है, दिस माइट गिव एन पोर्ट. इट इज द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, देयरफॉर व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस वेबसाइट ऑन पोर्ट 80 यू मे बी हैविंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज गिवन दैट. ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, सो वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग लाइक हियर. So let's have. I mean. ये मेरे ख्याल में उसी की उस्तादी है जो हमने पहले port 5 पे और port 6 पे वो test नहीं की, दो तीन requests तो उसने शायद वो कैशे की हुई और ये कैशे से उठा रहा होगा. So let me quickly do one thing. मैं इसको close करता हूँ just ताकि time बच जाए थोड़ा सा. मैं इसको करता हूँ BACKEND और मैं इसको फौरन से एक नई एप्लीकेशन बनाता हूँ दिस, और इसको मैं करता हूँ जी टर्मिनल एंड देन npm init init minus y this एंड npm iexpress express. सो आई हैव इंस्टॉल्ड दिस एक्सप्रेस काइंड ऑफ थिंग. And then, क्योंकि by default उस file का नाम क्या है index.js, तो let me make it like server.js, close it, make a server. Exact वही काम कर रहा हूँ जो आपको बताया मैंने. ठीक है, इसलिए मैं explain नहीं कर रहा इसको. Express install कर लिया मैंने. Now go back, copy this snippet from the official React, in fact Express, paste it right here. And run the server. That's the only thing that we need to do. Hum karte hain ji node and server.js. So example app is listening on the port. Example app is listening on the port. So now we need to make request this slash, or instead of slash, we are making request to the test. And this is going to be running on the port 3000 now. Okay, 5000 will be default. Maine uthai. Now if I made request
और अब मैं इसको टेस्ट पे करता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश 3000 पोर्ट पे टेस्ट की रिक्वेस्ट भेजे और ये करे. ओप्स, व्हाट्स गोइंग ऑन यार, लेट मी डू इट लाइक दिस वन. मैं सिंपल प्लेन ब्राउजर में जाएं और इस पे लोकल होस्ट लिखें और स्लैश 3000 लिखें. यप, इट इज रनिंग हियर. इसका मतलब ये हमारा मसला. ये देखें हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हेलो कर रहे हैं. ठीक है, अभी मैं आपको ये नहीं बताया कि रिस्पॉन्स क्या है, तो आप इन दोनों को भी कट कर लें. हमारा मसला उसमें है जो ऑनलाइन पोस्टमैन यूज कर रहे हैं. मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ. कंसोल डॉट लॉग. अब ये रिस्पॉन्स में नहीं आएगा. देखें रिस्पॉन्स का ये फर्क था कि रिस्पॉन्स हमें वापस ब्राउजर पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं. अब मैं करूंगा तो जो कि मैंने सर्वर पे कंसोल लिखा हुआ है, तो अब ये हेलो इधर आएगा कंसोल पे. इफ आई रीस्टार्ट द सर्वर, तो मैं कहूँ क्या दिमाग खराबी है. So if I now make a request, in fact in the browser, so यहाँ पे कह रहा है cannot get, क्योंकि हमने वहाँ से response नहीं भेजा, लेकिन server पे log हो गया होगा. अच्छा server पे भी log हुआ. Did we restart it after making this change or not? This not. ये कहाँ फंस रही है request? Press sorry. Sorry, server restart नहीं किया दोबारा. This. ओ भाई खुल जा सिम. 3000 चल रहा है. हेलो नहीं भेज रहा. इसको ये भेजते हैं रेस डॉट सेंड और इसको कहते हैं जी भाई. सो दिस रीस्टार्ट इट, मेक इट अ रिक्वेस्ट. व्हाट्स गोइंग ऑन टेस्ट. No response here too. Test के बजाय हम कर देते हैं जी, for example, prod, make it a restart, and then make it a request. No response still. And if we make it like this. Localhost cannot get. Slash आएगा इसके साथ URL में. Sorry? Sir, URL में slash भी आएगा ना port के बाद sir. Slash test. फिर आपने वो नहीं लिखा हुआ था. नहीं वो पहले लिखा था ना. नहीं लिखा हुआ था sir, जब आप request कर रहे थे. देखो slash test लिखा हुआ है ना हमने. Sorry slash prod है. बाकी सारे भी सोए हुए ना. सॉरी प्रॉड नॉट प्रोडक्ट्स है. यप, इसको देखते हैं. स्लैश पीआरओडी प्रॉड. ये इसका इशू है गेस, इस टूल का. ठीक है, पोस्टमैन का. इस पे बाद में आते हैं वापस. ये पोस्टमैन डाउनलोड कर लें आप अगर ये ऑनलाइन नहीं चल रहा है. मैं ऑनलाइन शॉर्टकट मारने की कोशिश में था. दिस इज रनिंग एंड नाउ लेट इस टेस्ट इट अगेन. इसको आप कह दें जी फॉर एग्जांपल एबीसी और इसको कह दें जी, बिकॉज मैं इस पे बजे हूँ कि ये चलना चाहिए. कंसोल डॉट लॉग लू. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग. हाँ अगर वो चला तो हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे. ये वैसे ही अन